જેમાં આમંદ ભાઈ તમે કેમ છો? યા તનિષ્કા ક્યા કરેગા આદમી, રેફ્યુજી જૈસે જગા ચેન્જ કરતે રહેતે. ચલો, હાઉ આર એવરીવન ડુઈંગ? કેસે હૈ સભી લોગ? એવરીવન ઇઝ ડુઈંગ ફાઇન, એવરીવન ઇઝ ડુઈંગ ફાઇન. યા મોહિત, ચલો, હાઉ ઇઝ મોલ કન્સેપ્ટ ગોઈંગ ઓન? ધીરે ધીરે થોડા ગ્રીપ આ રહા હૈ મોલ કન્સેપ્ટ પે, મોલ કન્સેપ્ટ પે ધીરે ધીરે ગ્રીપ આ રહા હૈ થોડા બહોત. એબલ ટુ સોલ્વ થોડા 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 કરકે? યસ, દેટ્સ ગુડ, દેટ્સ ગુડ. ટુમોરો અગેન યુ હેવ મોલ કન્સેપ્ટ ટેસ્ટ, સો કોશિશ યે કરની હૈ કે તુમકો ફુલ લેકે આના હૈ. યસ, આ ટાઈમ લગેગા કોઈ ભી ચેપ્ટર કરને કો, ઉસકો ઉતના ટાઈમ દેના જરૂરી હૈ. But what is most important, yeah, Atharva, that's correct. What is most important is keep trying. 10th standard ka apne ko pura ka pura mindset change kar dena hai. No, Vaishnavi, I haven't sent. Jaisa physics, chemistry aur math ka assign kiya hua hai, test wagera detail mil jayega, but you prepare properly. Yeah, only 10 questions for tomorrow's test. Okay, easy level ke paper honge. Theek hai, bas reading karo. Abhi kuch log aise hote hain jo darte hain topic se, kuch naya seekhne ke liye darte hain. Bhai aisa kuch nahi karna hai ki darne ki baat kuch nahi hai. Hum jaise jaise seekhenge utna apna level badhta jayega. मयूर, अभी क्वेश्चन जैसे जैसे अपने टेस्ट बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे लेवल भी बढ़ता जाएगा. ठीक है, वैसे वैसे लेवल भी बढ़ता जाएगा. ओके, डोंट वरी. यहाँ पर गुड गुड धनंजय, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स आप वेरी गुड. हाँ, लेवल बढ़ेगा. लेवल बढ़ना मतलब क्या? वो एकदम स्ट्रैटेजी, या अथर्व, दैट्स ट्रू. एकदम स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल रखना है. जैसे मैंने कहा है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ेंगे. ओके, लेवल अपने आप बढ़ता जाएगा. लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं. फिर जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन को देख देख के कुछ लोग डर गए और फिर उनको लगता है कि नहीं भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा. ये थॉट लेके नहीं आना है कि मैं नहीं कर पाऊंगा. ये थॉट बहुत गलत बात है. समझ में आया? क्योंकि आगे 11th 12th की डिफिकल्टी कुछ नहीं है. सभी लोग फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एररलेस ले ले. ठीक है, हाँ. अभी नहीं, बेसिक ही रहेगा. नहीं, कल टेस्ट में नहीं आएगा, डोंट वरी. टेस्ट जो हम लोगों ने लास्ट क्लास तक किया था ना, वो आएगा. अच्छा, डिड आई कंप्लीट समथिंग कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट? नरेंद्र अवस्थी बाद में, नरेंद्र अवस्थी बाद में. मेरी बात सुनो, बच्चे लोग क्या मिस्टेक करते हैं ना, आई विल जस्ट गाइड यू इन 5 मिनट्स, कि वो लोग डायरेक्टली नरेंद्र अवस्थी पे जंप करते हैं. ठीक है, रीडिंग एनसीईआरटी से करना है. ओके, रीडिंग एनसीईआरटी से करना है. उसके बाद सॉल्विंग एनसीईआरटी होने के बाद, उसके बाद हम सॉल्विंग हमें एररलेस से करना है. So once you are done with errorless question, then अगर तुम advance दे रहे हो तो you can opt for नरेंद्र अवस्थी. अगर errorless दे रहे तो, I mean advance दे रहे तो नरेंद्र अवस्थी तक चलना है. ठीक है, या volume volume relation, mass volume relation. Okay, limiting reactant पढ़ा दिया था मैंने, limiting reactant. Okay, so आज हम लोगों को limiting reactant और concentration term करना है. ओके, आज हम लोगों को लिमिटिंग रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन टर्म करना है. मैं वहां से शुरू कर देता हूं. ठीक है, फिर ऑफकोर्स अपने को प्रैक्टिस तो करना ही है. ठीक है, या अमन, डोंट वरी, वो होगा, डोंट वरी. ओके, डोंट वरी, वो जरूर होता है, अपने हर क्लास में होता है. नहीं, एम्स और नीट वालों को नरेंद्र अवस्थी नहीं लेना है. तुम लोगों को एररलेस प्रैक्टिस करना है. तुम्हें जो मॉड्यूल मिलेगा
वो भी वही करना है, आज जो पढ़ाया जाएगा वो कल के टेस्ट में नहीं होगा, इससे पहले उससे पहले का जो भी पार्ट है वो हम लोग करेंगे, ठीक है, चलो चलो। बट बच्चा लोग एक एक माइंडसेट एकदम तैयार रखो। मैं तुमको क्यों ऐसे एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं, क्योंकि ना आई हैव सीन दिस थिंग हैपनिंग कि जो लोग धीरे 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 प्रोग्रेस करते हैं ना, ठीक है, इन दैट केस जो लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं वो लोग आराम से स्कोर कर जाते हैं, वो भी अच्छा मार्क्स। डर के आगे नहीं बढ़ना है, क्वेश्चन को डराओ। कोई भी अगर बाय मिस्टेक कभी एरर हो जाता है ना पेपर में, तो वो एज अ बोनस काउंट कर दिया जाता है या क्वेश्चन कम कर दिया जाता है, तो यू आर नॉट एट ऑल एट लॉस। बट डोंट वरी, इट्स व्हाट यू आर आस्किंग कि हाँ ठीक है, वो एक पॉइंट है कि एरर नहीं होंगे, तो यस कल के टेस्ट में एरर के चांसेस लाइक 100% है कि नहीं होगा, मतलब आई शुड फ्रेम इट इन दिस वे कि एरर नहीं होगा 100%, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है, या अमन एररलेस, इट इज एररलेस। जेई एडवांस में केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन होते हैं, जेई एडवांस का पैटर्न जो होता है ना वो हमेशा चेंज होता है, हमेशा चेंज होना मतलब कि कभी वो लोग पैसेज डाल देते हैं, कभी सिंगल करेक्शन, सो वो तुमको सारी चीजें पढ़नी है। पेपर पैटर्न जो है वो सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, इंटीजर, मैट्रिक्स मैच, कॉम्प्रीहेंशन, और कोई रह गया क्या, कॉम्प्रीहेंशन इंटीजर हो गया, नहीं, या दे वेरी, मेंस वाले फिक्स होते हैं, एडवांस वालों का पैटर्न के कारण चेंज होता है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद सभी लोगों ने एररलेस सॉल्व करना शुरू कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये द टर्म व्हाट आई एम स्टार्टिंग टुडे, दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या कहते हैं इस टॉपिक को, लिमिटिंग रिएक्टेंट। व्हाट एग्जैक्टली दिस लिमिटिंग रिएक्टेंट स्टैंड्स फॉर, क्या होता क्या है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो मैं समझाता हूं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट, अभी मान लो मॉम बहुत एक्साइटेड है कि आज एक बहुत बढ़िया तुम्हारे लिए मॉम कोई तो डिश बना रही है, बहुत बढ़िया डिश बना रही है, तो यू आर लाइक सो हैप्पी। लेकिन मान लो अगर मॉम डिश बना रही है और गैस ही खत्म हो जाए, तो पाव भाजी, यस मॉम पाव भाजी, अरे मॉम का बना हुआ हाथ का पाव भाजी खा सकते हैं भाई हम, ठीक है, सो इन दैट केस गैस खत्म हो जाए, यानी वो चीज तो रेडी नहीं हो पाएगा। ओके ओके, सभी लोग अभी 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 ये करना बंद कर दे, थोड़ी देर टाइपिंग करना बंद कर दे। हाँ, जिनके घर में पाइपलाइन भी है, सबको कुछ लीकेज के कारण उन्हें जो गैस सप्लाई है वो बंद करना पड़ा, ठीक है। तो इन दैट केस बॉम्ब जो तुम्हारे लिए बनाने जा रही थी वो मिड वे ही रह गया, पूरा नहीं हो पाया। यानी इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो हम एक पॉइंट तक उसे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यस दैट्स करेक्ट, कि हम उसको कंप्लीट पॉइंट पे ले जा रहे हैं। सपोज आई गिव यू दूसरा एग्जाम्पल खाने का, तो फिर तुम लोग ये भी बोलोगे कि नहीं सर कुछ नहीं, अगर गैस चला गया तो हम नीचे जाके पानी पूरी खा लेंगे, नीचे जाके पाव भाजी खा लेंगे, या जोमैटो स्विगी से मंगा लेंगे, यस दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, या दैट्स एब्सोल्युटली। मेरा मुद्दा ये नहीं था कि तुम्हारा खाना, तुम्हारा पेट भरना, ये मेरा मुद्दा नहीं था। मेरा मुद्दा ये था कि कुछ प्रॉब्लम के कारण खाना बनना रुक सकता है। क्या था वो प्रॉब्लम, गैस, एलपीजी गैस कम होने के कारण, ठीक है। तो तुम लोग उसे कहां पहुंचा रहे हो कि सर हम जोमैटो से मंगा लेंगे, सर हम स्विगी से मंगा लेंगे, अरे भाई वो मुद्दा ही नहीं है मेरा। चलो मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, व्हाट इज सेकंड पॉइंट, कि मान लो तुमने फैमिली के साथ रोड ट्रिप प्लान किया, अब यहां से जाना है लेट से लोनावला जाना, लोनावला मतलब गाड़ी में सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल है, ठीक है, गाड़ी में सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल है, तो तुम नहीं पहुंच सकता। यानी वो पेट्रोल जो है इट इज एक्टिंग एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसका मतलब तुम लोनावला तो नहीं पहुंचेगा, बट वो 10 लीटर तुम्हें कहीं ना कहीं तो पहुंचा देगा। अगेन अगेन
वो 10 लीटर कहीं ना कहीं तुम्हें पहुंचा देगा। यानी यानी जब हम कोई भी रिएक्शन करेंगे ना, फिर से सुन लो, जब हम कोई भी रिएक्शन करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, वो जितना रिक्वायर्ड है रिएक्शन में, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है, जितना रिएक्शन में रिक्वायर्ड है रिएक्टेंट, अगर उससे कम क्वांटिटी प्रेजेंट हो तो डिजायरेबल प्रोडक्ट उतना नहीं आएगा, उतना डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? यस और नो? करेक्ट। यानी एक रिएक्टेंट कम होगा अगर, तो वो उतना सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। नहीं नहीं बट मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो, घबराने वाले लोग, और ध्यान से सुनो, मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ घबराने वाले लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, ब्रेक दो तो उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये तो गलत बात है ना यार, ये फिर तो ऐसा हो जाएगा कि ब्रेक देना ही नहीं चाहिए। ऐसे मत करो यार, ब्रेक दो और उसमें गायब हो जाते हैं। ओके, नॉट 100% अवेलेबल, बी करेक्ट, यानी जितना रिक्वायर्ड है उतना नहीं। डज दैट मीन कि प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, या प्रोडक्ट बनेगा बट लेस क्वांटिटी बनेगा? कम ऑन, प्रोडक्ट बनेगा बट लेस क्वांटिटी बनेगा? बनेगा बट कम बनेगा। ओके, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। अभी जैसे मैं हमेशा से बोलता रहा हूं कि मोल कंसेप्ट के तीन सेक्शन है। हम पहला सेक्शन खत्म करेंगे, जो एनसीईआरटी भी पहला सेक्शन ही एक्सप्लेन करता है। रिएक्शन पूरी तरह नहीं होगा, दैट डजंट मीन कि प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सो इफ आई गिव यू एग्जांपल, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। ये रिएक्शन देखा सभी लोगों ने। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, और टेल मी, नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन इज 1:3। यानी स्टैंडर्ड मोल कितना है, स्टैंडर्ड मोल कितना है? स्टैंडर्ड मोल है 1:3:2। स्टैंडर्ड मोल कितना है? 1:3:2। व्हाट आर स्टैंडर्ड मोल? 1:3:2। करेक्ट। ओके, ये हो गया स्टैंडर्ड। सपोज क्वेश्चन में दिया है गिवन मोल, ध्यान से सुनना, इसका दिया है 5 मोल, इसका दिया है 9 मोल, तो उन्होंने पूछा है बताओ कितना मोल अमोनिया बनेगा। प्लीज, एम आई गोइंग फास्ट या स्पीड इज फाइन या शुड आई रिड्यूस? आई मीन, आर वी गोइंग गुड? आर वी गोइंग गुड किड्स? ओके, थैंक्स श्रद्धा। ओके, या मोहित, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन। या So, how Rutuja, Shitej, how you are saying ki it will be 4 mole? How you got to know it is 4 mole? Ya 6 mole? Ya 44 mole? How you noticed that? 4 mole kaise aaya? So, are you like 9-5=4? Yeah, Siddesh. Yeah, Shrey is saying it's 6. ओके, अब चलो हम लोग डिस्कशन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है इधर, क्वेश्चन क्या है इधर कि अमोनिया कितना बनेगा। अब ये कोई तो रैंडम नंबर दिया है, 5 mole 9 mole, ये बहुत ही रैंडम नंबर दिया है। ओके, वीडियो लैग हो रहा है या बराबर क्लियर है? ओके जनता, क्लियर हो रहा है? श्रेय सिंह, H2 इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, दैट्स करेक्ट श्रेय। देखते हैं और कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्या। ओके, कोई बात नहीं, बट आई विल एक्सेप्ट योर आंसर और हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को करना होगा नेक्स्ट पॉइंट, विच इज कॉल्ड एज मोल रेशियो। दिस इज द स्टंट विच वी आर परफॉर्मिंग। हम ये स्टंट इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं कि हमें पता चल जाए भाई साहब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। डरे ना, मेथड समझे, डरना बिल्कुल नहीं है, मेथड समझे। तो मोल रेशियो निकालेंगे। व्हाट इज मोल रेशियो? मोल रेशियो इज गिवन मोल अपॉन स्टैंडर्ड मोल। तुम लोग ना ये करके इतना यूज्ड टू हो जाओगे ना, ये करके इतना यूज्ड टू हो जाओगे, ध्यान से सुनो, कि तुमको ना ये छोटे बेसिक मेथड ना कुछ चैप्टर बाद ना यू विल बी लाइक, व्हेन यू विल लुक बैक यू विल बी लाइक यार ये कितना इजी मेथड था, आज तो हम इसको डायरेक्टली करते हैं, ये सब कितना बेसिक मेथड होता था। दैट्स ट्रू। मोल रेशियो क्यों लेते हैं? वापिस टू फाइंड आउट
हु इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। बच्चा लोग मैंने बहुत इजी रिएक्शन दिया, मैं फिर से बताता हूँ, मैंने बहुत इजी रिएक्शन दिया है, दे आर गोइंग टू आस्क लाइक कि व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म रिएक्शन, शायद जाना पहचाना ना हो उधर, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कैसे निकालें। तो दिस विल बी 5/1, दिस विल बी 9/3। What is the answer? 5/1, 9/3. What is the answer? Come on. So, यहाँ पर who is acting as a limiting reactant? Who is, जिसका mole ratio कम आया, he is acting as a limiting reactant. This is what Shrey said. कि H2 is a limiting reactant, that's correct, H2 is a limiting reactant. अब बच्चा लोग एक confusion छोटा सा क्या होता है ना, मैं student point of view से बताता हूँ, एक छोटा सा confusion क्या होता है कि बच्चे लोग इस number को, इस 3 number को calculation में use करते हैं। नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो, इस 3 number को calculation में नहीं use करना है, ये 3 जो है वो नहीं यूज करना है, ये सिर्फ 3 ये बताता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, ये 3 सिर्फ ये बताता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। एम आई क्लियर विद दिस? अब हम लोगों को नंबर यही यूज करना है यहां का, सो आई विल राइट, सिंस 3 मोल्स ऑफ H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, therefore 9 moles of H2 will give how much ammonia? Of course, कुछ लोगों ने पहले आंसर दिया था, that's fine, yeah, that's correct, कुछ लोगों ने already पहले ही आंसर दे दिया था कि हाँ सर ये limiting reactant है, तो आंसर 6 आएगा। balancing करके ही काम करना है, देखो कितना भी बच्चा लोग, कुछ लोगों को जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि तुम थोड़े समय बाद ना तुम्हारा सिचुएशन कैसा हो जाएगा पता है, थोड़े समय बाद कि ये तो बहुत इजी सम था, ये ऐसा था वैसा था, तुमको ये बहुत लगने लगेगा, ठीक है। द रीजन इज कि तुम इस मेथड को इतना क्विक यूज करोगे ना तो तुम्हें एकदम सबकी आदत हो जाएगी। लेट्स से नेक्स्ट वन, H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl, गिवन मोल कितना है? 7 मोल, एंड दिस इज सपोज टू बी लेट्स से 14 मोल। तो उन्होंने पूछा है कितना ग्राम HCl बनेगा, क्या पूछा उन्होंने, कितना ग्राम HCl बनेगा। चलो यू ट्राई, जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। या प्रणव, आई वॉन्ट आंसर इन ग्राम्स बेटा, ग्राम। संजीवनी सिंह 7 ग्राम, प्रणव अथर्व यहाँ पे 6 आ जाएगा ना बेटा, 6 मोल्स, ग्राम नहीं पूछा है, 6 मोल्स, 2 ग्राम आ रहा है लोगों का आंसर, ओके। किसी का 14 आ रहा है, किसी का 7 आ रहा है, दिस इज इजी, इधर बैलेंसिंग इतना गड़बड़ भी नहीं। 14 या 7 ग्राम में आंसर पूछा है मैंने, ग्राम में, मैं वापस दोहरा रहा हूं, मैंने मोल्स नहीं पूछा है, मैंने ग्राम पूछा है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? या श्रेय सिंह 255.5, H2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है, राइट, ओके, ग्रेट गोइंग बच्चा लोग, ग्रेट गोइंग, वेरी गुड। 28 आया, वेरी गुड, ओके। 511 ग्राम आया, वेरी गुड। मुझे नहीं पता कौन राइट है कौन रॉन्ग है, बट तुम्हारा अटेम्प्ट देख के भाई मैं खुश हो जाता हूँ। दिस इज हाउ वी आर सपोज टू अटेम्प्ट। सुजेश इज सेइंग 14 ग्राम, आई गॉट 1960 ग्राम ऑल्सो, 14 ग्राम भी आया, वेरी गुड। कोई बात नहीं अमन, कोई बात नहीं, रिलैक्स। अच्छा चलो, पॉज, सभी लोग पॉज, एक मिनट मुझे बताओ इसमें हु इज, अमन यू ट्राई टू आंसर बेटा, मुझे बताओ यहां पर इन दोनों में से स्ट
स्टैंडर्ड रेशियो अगर 1:1 है तो ये अगर 7 मोल्स है तो ये कितना होना चाहिए? ऑफ कोर्स 7 मोल्स होना चाहिए, लेकिन कितना दिया है उन्होंने? 14, दैट्स करेक्ट। यानी ये हो गया एक्सेस रिएक्टेंट, ये हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस और नो? आई रिपीट अगेन, मोल रेशियो निकालो बच्चा लोग, मोल रेशियो निकालो जस्ट टू फाइंड आउट कि हु इज एक्टिंग एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। मोल रेशियो निकालो, वापस मैं बता देता हूं। मोल रेशियो में आएगा, सभी लोग ध्यान से सुनो, घाई नहीं करना है। 7 गिवन मोल बाय स्टैंडर्ड मोल, गिवन मोल बाय स्टैंडर्ड मोल, इसका आंसर आया 7, इसका आंसर आया 14। ओके, किसका मोल रेशियो कम है? किसका मोल रेशियो कम है? H2। जिसका भी मोल रेशियो कम आएगा वो हो जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड द नेक्स्ट वन विल एक्ट एज एक्सेस रिएक्टेंट। करेक्ट करेक्ट, एक्सेस रिएक्टेंट। एम आई क्लियर? सो एक्सेस वाले से तो बात भी नहीं करनी है क्योंकि ये रिएक्शन में एक्स्ट्रा ही रहेगा। ये क्या है? एवरीबडी, अमन समझ में आया बेटा? अमन, अदर्स प्लीज रिवर्ट, बच्चों प्लीज रिवर्ट। क्या तुम्हें प्रॉब्लम डरा रहा है? क्या तुम्हें टॉपिक डरा रहा है? जल्दी जल्दी जल्दी, नो। अरे ये बहुत ही बेसिक लेवल, कुछ लोगों ने शायद पहले भी किया होगा, कोई दिक्कत नहीं। जब भी वो लोग तुम्हें गिवन मोल देंगे ना, गिवन मोल स्टैंडर्ड मोल देख लो, ER means एक्सेस रिएक्टेंट, जो ज्यादा क्वांटिटी में है, एक्सेस रिएक्टेंट। सो यहां पर गिवन मोल को स्टैंडर्ड मोल से डिवाइड करोगे। ओके ओके, सो इन दैट केस जो भी आएगा रेशियो, इन दोनों रेशियो को कंपेयर करो। ओके, 7 को 1 से, 14 को 1 से, मैं कुछ नहीं कर सकता, 1 और 1 है तो आई कैन नॉट हेल्प इट, मुझे 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी कम आया उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे, जो भी कम आया उसको क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। बच्चा लोग समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? टॉपिक इजी है, कोशिश करो कनेक्ट होने की। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड। सो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में पता चल गया, तो H2 इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो आई विल राइट, इफ 1 मोल ऑफ H2 गिव्स 2 × 36.5 ग्राम HCl, मोल को मास से कंपेयर कर सकता हूं। ओके, सो देयरफॉर 7 मोल्स ऑफ HCl come on, cross multiply, I want all my kids to give the correct answer. HCl is 35, chlorine is 35.5, उसमें एक हाइड्रोजन, इसलिए 36.5, तो दो HCl मिल रहा है ना, इसलिए 2 × 36.5। क्या बात है, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। संस्कृति says 14 ग्राम, रेस्ट एवरी वन इज सेइंग 511 ग्राम, या रेस्ट एवरीबडी इज सेइंग 511 ग्राम। अच्छा 14 मोल्स, ओके संस्कृति, यू गॉट 14 मोल्स बेटा, क्वेश्चन वॉज ग्राम, सो ग्राम कितना आया, तो उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो संस्कृति। यस यस यस, समझ में आया सभी को? अच्छा लोग सभी को समझ में आया? कम ऑन, या 441 ग्राम भी आंसर आ रहा है किसी का? देखो किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा,
किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा, क्या सवाल पूछा कि सर फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है फर्स्ट रिएक्शन में, एक सेकेंड रुको, लेट मी कम टू दैट पार्ट, क्या लिखा यहां पर, एक सेकेंड है, लेट मी जस्ट पुट दैट, इन द फर्स्ट रिएक्शन 2NH3 इज अ कंप्लीट प्रोडक्ट, हाउ कैन वी से दैट प्रोडक्ट फॉर्मड इज इनकम्प्लीट, दिस इज श्रद्धा इज सेइंग, हाउ कैन वी से दैट प्रोडक्ट फॉर्मड इज इनकम्प्लीट, या श्रद्धा, श्रद्धा मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, अगर तुम्हारे घर में, लेट्स से अभी अभी मुद्दा ये नहीं, मुद्दा दो अमोनिया, ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है, स्टैंडर्ड रिएक्शन, दो मोल्स ऑफ अमोनिया, ये स्टैंडर्ड रिएक्शन, ओके स्टैंडर्ड, ये इतना बनना चाहिए श्रद्धा, अगर मैं एक N2 और 3H2 लिखूं तो दो NH3 बनना चाहिए, ओके ये स्टैंडर्ड है, ओके यानी मैं सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं कि मैं कोई कुकिंग कर रहा हूं, लेट्स से कोई भी डिश बना रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका जो बुक है जिसमें लिखा है कि ये ऐसे बनाते हैं उसको मैं पढ़ के बनाते जा रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा है कि लेट्स से इसमें 4 लीटर मिल्क ऐड करना है, ओके लेट्स से दे आर मेकिंग इट फॉर 4 पीपल, ओके 4 पीपल मतलब जैसे यहां पर स्टैंडर्ड बुक में लिखा है 2 अमोनिया बनाने के लिए ऐसा होना चाहिए, वैसे किताब में भी लिखा था 4 आदमी के लिए ये डिश बनाने के लिए 4 लीटर पेट्रोल थोड़ा ज्यादा आजकल दिमाग में पेट्रोल ही घूमता है, ठीक है सो 4 लीटर मिल्क लगेगा, ओके नाउ टेल मी वन थिंग, थोड़ा डेंजरस नहीं हो गया पेट्रोल, चलो ठीक है 4 लीटर भी महंगा हो जाएगा पेट्रोल करी या बाहर भी गरम गरम खाओगे अंदर भी गरम गरम, ठीक है सो डोंट वेस्ट इन ड्रिंकिंग, यस पेट्रोल पानी पूरी, यस 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 बस अब लोग शुरू हो जाएंगे ये पेट्रोल का ये सुन के, चलो बैक टू द डिस्कशन, सो इन दैट केस, ठीक है याद है, यस करेक्ट, सो इन दैट केस हम लोगों ने मान लो अगर श्रद्धा फॉर यू बुक में लिखा था 4 लीटर मिल्क, ओके नाउ मैंने आराम से सोच के बोला मिल्क बोलना है पेट्रोल बोलना है, तो 4 लीटर मिल्क था, लेट्स अज्यूम, ओके इन दैट केस अगर घर में रिक्वायरमेंट 4 लीटर की थी 4 लोगों के लिए, घर में अगर 1 ही लीटर है तो श्रद्धा क्या हम उसे उतनी क्वांटिटी बना सकते हैं जितना बुक में लिखा था, क्या उतनी क्वांटिटी बनेगी, नहीं बनेगी ना, लेकिन कुछ तो बनेगा, कुछ तो बनेगा, यस और नो, कुछ तो बनेगा ना, कुछ तो बनेगा, ये यानी यही रिक्वायरमेंट है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमोनिया नहीं बनता, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि तुम जो भी मोल्स दोगे ना 5 और 9 उसके अकॉर्डिंग उतना अमोनिया बनेगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग उतना अमोनिया बनेगा, अंडरस्टूड द पॉइंट ओके सो आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, सो यहां पर ये हो जाएगा x will be equal to 7 × 2 × 36.5 14 × 36.5 everybody ये मल्टीप्लीकेशन सभी को 511 आ गया यस और नो, सभी को आ गया 511 यस एवरीवन बच्चे लोग डरना नहीं है, किसी ने डरना नहीं है, ठीक है 511 आ गया सभी को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले बच्चों, यू अंडरस्टूड, ये कैसे निकालना है समझ में आया, मोल रेशियो ही याद रखना है, दैट इज द ट्रिक, ये समझ में आ गया देन वी आर डन, या अमन इवन आई वॉज थिंकिंग कि यार ये 115 क्यों लिखा है जबकि 511 होना चाहिए था, कोई बात नहीं, बेटर यू क्लियर डेट की, हाँ सर मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था, चलो कैलकुलेट फटाफट कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट होगा रिएक्शन होगा, आविष्कार इज आस्किंग कि सर कैन लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑल्सो लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट
एज इन केस ऑफ रिएक्शन ऑफ CO2 विथ इनसफिशियंट O2. यहाँ पर रिएक्शन क्या है आविष्कार, कि CO को अगर हाफ O2 दिया तो वो CO2 बन जाएगा, या 2CO2 प्लस O2 2CO, ये कितना हो गया हाफ O2. नहीं, ये जरूरी नहीं है, रिडक्शन वाला हो जाएगा. तो ये वाला जो रिएक्शन है ना आविष्कार, रिएक्शन एक ही रिएक्टेंट से दो अलग अलग नहीं बता होगा, एक ही रिएक्शन से मल्टीपल प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है. वो लोग एक ही टाइप के प्रोडक्ट की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? एक ही टाइप के प्रोडक्ट की बात करेंगे. एम आई क्लियर विद दिस? एम आई? अच्छा, सी प्लस, तुम जितना ऑक्सीजन सप्लाई करोगे उसी प्रोडक्ट के बारे में बात करना है आविष्कार. एक ही रिएक्शन में कार्बन को अगर भरपेट ऑक्सीजन दिया तो वो CO2 बनेगा. CO2 के रेफरेंस से ही बात करना है. ओके, प्रोडक्ट कम आएगा. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टी फॉर्म्ड. क्वेश्चन नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टी फॉर्म्ड. If A mole is 8 and B mole is 10, तो उन्होंने बोला कि C कितना बनेगा. ये गिवन मोल है, गिव अ ट्राई, कम ऑन. हाँ, पीपल आर कमिंग विथ 15 मोल्स ऑफ आंसर. टू गुड, टू गुड भाई, टू गुड. तुषार, ट्राई बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढो. ER मतलब एक्सेस रिएक्टेंट. एक्सेस रिएक्टेंट मुझे कोई फायदे का नहीं. व्हाट इज द मोल ऑफ C फॉर्म्ड इफ 8 मोल्स ऑफ A एंड 10 मोल्स ऑफ B आर यूज्ड? हु इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट? Yeah, Shrey is also saying the same. Ki B is the limiting reactant. Who is the limiting reactant? Very good, very good. Kya baat hai? Shraddha, 24 wrong answer hoga beta. बाकी 15 मोल्स ऑफ सी एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, कैसे किया, कैसे किया? सो इसका मैं मोल रेशियो निकालूंगा. क्या निकालूंगा इसका? मोल रेशियो क्या होगा? 8/1, 10/2. इसका आंसर 8, इसका आंसर 5. नाउ टेल मी, हाँ, so हो गया ना, सिंस 2 मोल्स ऑफ बी. अरे ये सिंस में 2 कहां से आ गया भाई? सिंस 2 मोल्स ऑफ बी गिव्स मी 3 मोल्स ऑफ सी, देयरफॉर 10 मोल्स ऑफ बी विल गिव मी हाउ मच? इजी. तुषार, कैलकुलेशन देखो बेटा, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट आया, जैसे ही ये आया, हाँ, क्या करेंगे लोगों ने, कुछ कुछ लोगों ने मुझे 7.5 आंसर दिया. क्यों 7.5 आया? क्योंकि तुमने ये जो 5 कैलकुलेट किया ना, उसको कैलकुलेशन में यूज किया. मोल रेशियो सिर्फ और सिर्फ, मोल रेशियो सिर्फ और सिर्फ ये पता करने के लिए होता है हु इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट. अथर्व, गो ऑन, अथर्व, गो ऑन. फिफ्टीन मोल्स ऑफ सी बनेगा, दैट्स करेक्ट. अथर्व, योर डाउट, कम ऑन. 15 मोल, ओम, 2 मिनट बेटा. अथर्व का डाउट, यूनिटरी मेथड से ही करना है. या लेफ्ट रिएक्टेंट है, उसमें क्या हो गया अथर्व? अनिशा, दैट्स करेक्ट, 15 मोल्स इज द आंसर. तुषार, वेरी गुड बेटा.
ये बी वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट आ गया, बी वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट, आंसर इज 15 मोल्स, 10 थ्री जा 30 डिवाइड बाय 2, हाँ अमन गुड जॉब। और एक क्वेश्चन करोगे भाई, बच्चों के टैलेंट में कुछ भी गड़बड़ नहीं है बच्चों, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है बच्चों, पेशेंस रख के सॉल्व करते चलना है, परफेक्शन तक पहुंचना है बस, परफेक्शन तक पहुंचने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेशेंस रख के बस प्रैक्टिस करते रहे। वन मोर क्वेश्चन, या तीशा दास करेक्ट आ रहा है तुमको, देर इज अ रिएक्शन ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी गिव्स अ फोर डी, गिवन मोल है इसका 2 मोल्स ऑफ ए, 3 मोल्स ऑफ बी एंड 5 मोल्स ऑफ सी। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी फॉर्म। अच्छा मेथड तो वही है, मेथड तो वही है बच्चे लोग, सवाल डिफिकल्ट नहीं है, सवाल इजी है, तुम्हारा मतलब जिस तरह सॉल्व कर रहे हो उससे और मजा आ जाएगा, कम ऑन ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। ओके श्रेय विद द आंसर 6 मोल, ओके श्रेय गुड जॉब गुड जॉब। हु इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, श्रेय यू कैन पुट योर आंसर, या रुद्रा दैट्स गुड दैट्स गुड, मयूर इज ऑल्सो गिविंग द आंसर, कनिका इज ऑल्सो गिविंग द आंसर, अभिजीत ऑल्सो गिविंग द आंसर, यस यस। प्रॉब्लम जम रहा है बच्चों, प्रॉब्लम जम रहा है, डर लग रहा है, 8 मोल्स कैसे आएगा, लिमिट मोल रेशियो से आए हुए नंबर को कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करना है, फिर से बता देता हूँ, मोल रेशियो से आए हुए नंबर को कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करना है। हु इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, Who is the limiting reactant? D is the limiting reactant. Mole ratio ले ले, mole ratio. 2/1, 3/2, 5/3. ये हो गया 2, ये हो गया 1.5, ये कितना हो जाएगा 2 बचा ना 1.6. तो of course 1.5 यानी ये हो गया limiting reactant. यानी कैलकुलेशन बी के हिसाब से चलेगा, इज दिस करेक्ट, ए इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाउ हाउ ए इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाउ ए इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, समन सेड ए इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, भाई डर गए क्या, ए इज नॉट अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ट्राई करो, यस आंसर इज 6 मोल्स, दिस इज करेक्ट, 6 मोल्स ऑफ डी विल बी फॉर्म्ड, वेरी गुड 6 मोल्स ऑफ डी, दैट्स द स्पिरिट किड्स, दैट्स द स्पिरिट। वापस बताता हूं, ये गिवन मोल है 2, स्टैंडर्ड है 1, तो 2/1 2, गिवन मोल है 3, स्टैंडर्ड है 2, तो 3/2 मतलब 1.5, गिवन मोल है 5, स्टैंडर्ड है 3, 5/3 1.6, 2 1.5 1.6, हु इज एक्टिंग एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, कम ऑन हु इज एक्टिंग एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, कम ऑन किड्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन बी, यस यस बच्चा लोग ये समझ लो, तुम लोग जिस स्पीड से अब्सॉर्ब कर रहे हो ना, इट्स रियली ऑसम, जस्ट होल्ड दिस पैटर्न ऑफ एब्सॉर्बिंग, मैं कह रहा हूं ना तबाही मचा दोगे तुम लोग। लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड रिएजेंट ये टर्म सेम होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड रिएजेंट ये टर्म सेम होता है। आगे बढ़ू, अगला क्वेश्चन दू थोड़ा सा ऊपर लेवल कर देता हूं, ठीक है थोड़ा सा ऊपर लेवल कर देता हूं, एंड आई एम श्योर तुम लोग वो क्वेश्चन एकदम आसान मस्का लगेगा तुम लोगों को, ठीक है एकदम आसान मस्का लगेगा तुम लोगों को, लेट्स गो फॉर इट, कम ऑन, यस यस वेरी गुड, नोट करो, 1 ग्राम ऑफ एमजी मतलब मैग्नीशियम, सवाल ध्यान से सुनो, डरना नहीं है घबराना नहीं है भाई, आई नो किड्स आर जस्ट ऑसम जस्ट ऑसम। So 1 gram of Mg is burned. In a closed vessel.
विच कंटेन्स 0.5 ग्राम O2. व्हाट इज द वेट ऑफ MgO फॉर्म? कम ऑन, व्हाट इज द वेट ऑफ MgO फॉर्म? इतना अच्छा सवाल और इतने बच्चों का टैलेंट इतना सही है. या कम ऑन, गिव अ ट्राई, गिव अ ट्राई, कम ऑन, घबराना नहीं है बच्चों. हाँ, रिएक्शन तुम ट्राई तो कर ही सकते हो ना, रिएक्शन ट्राई कर सकते हो. 2 Mg + O2 gives 2 MgO. कम ऑन, ये रहा रिएक्शन. हाँ दे दिया मोहित, क्या परेशान है यार, दे दिया रिएक्शन, खुश रहे तू बस. कम ऑन, श्रद्धा इज गेटिंग टू लिमिटिंग रिएक्टेंट. श्रद्धा गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बिंदास गलती करो, कोई कोई बात नहीं है. नो नो नो, ये टॉपिक आज यही रहेगा, नेक्स्ट मोल कंसेप्ट में लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐड हो जाएगा, डोंट वरी. चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी, रुकना नहीं है, डरना नहीं है. मैं कराऊं, डरना नहीं है भाई, मैं है ना, खाई को टेंशन ले रहे हो. बोतार 0.5, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करा दूं मैं. मुग्धा बोतार इक्वल, ओके मुग्धा, नो प्रॉब्लम, ओके. चलो चलो, हम लोग करते ना ट्राई, क्या क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अपने को एक शॉट में नहीं आएगा, कोई बात नहीं भाई, सीख रहे हैं, एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, अभी सीखने के समय, जितनी मिस्टेक्स करनी है कर लो. ओके, रिएक्शन क्या बोल रहा है, एमजी और ओटू की बात हो रही है, तो कैन आई से लुकिंग एट द रिएक्शन दैट 48 ग्राम ऑफ एमजी रिक्वायर्स 32 ग्राम ऑफ ओटू. क्या ये मैंने बराबर लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये मैंने बराबर लिखा है, हाँ या ना, ये रिएक्शन बराबर लिखा है. Mg, 2 Mg लगेगा ये पता करने, बराबर बराबर. थांबा गाई नका करू, थांबा जरा, 2 मिनट थांबा, ठीक है. 1 Mg 48 ग्राम होता है, 32 MgO पूछा है ना, वहां पे भी आते हैं, डोंट वरी, MgO पूछा है ना, वहां भी आएंगे, डोंट वरी. ये रिएक्शन समझा, ठीक है. सो देयरफोर 1 ग्राम ऑफ Mg will require how much? X will be how much? 32/48. Can I write it as 2/3? Yani ye ho jayega 0.66. Ha ya na? Calculation bol do pehle. Calculation bol do. Darne ke liye bahut time hai bhai. 0.67 Vedant, ye le. Main isko 0.67 kar deta hu. Vedant khush. Okay, clear hua yahan tak? Reaction samjha ya nahi samjha? रिएक्शन समझा या नहीं समझा? घबरा रहे बच्चे, डर रहे बच्चे? अरे डराने के लिए अपने को बहुत सारी चीजें है, तुम मत डरो. अच्छा, यानी 0.67 ग्राम O2 लगेगा Mg 1 ग्राम को जलाने के लिए. क्या मैं ये सही बोल रहा हूं? 0.67 ग्राम ऑफ O2 लगेगा. संजीवनी वापस समझाता हूं बेटा, रिएक्शन कहता है 2 Mg मतलब 48 ग्राम, रिएक्शन कहता है पूरा O2 मतलब 32 ग्राम ऑफ O2 लगेगा 48 ग्राम Mg के लिए. यस, सो टेल मी, अगर मेरे पास 1 ग्राम Mg होगा तो कितना ग्राम ऑक्सीजन लगेगा? 0.67 ग्राम. क्लियर किड्स, इतना लगेगा, बराबर, इतना ऑक्सीजन लगना चाहिए. बट किंतु परंतु ऑक्सीजन का वेट कितना दिया है? कम ऑन,
इतना लगना चाहिए, अरे भाई इतना लगना चाहिए, सही है ना, इतना लगना चाहिए, बट दिया कितना है, कम है, रिक्वायरमेंट से कम है या रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, रिक्वायरमेंट से कम है या रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, जल्दी बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, जय माता दी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कम है, ओ जितना लगना चाहिए उससे ये वैल्यू कम है, जितना लगना चाहिए, अगर ऑक्सीजन 1 ग्राम को 0.67 ग्राम लगना चाहिए तो मैंने तो कम सप्लाई किया ना भाई, हाँ या ना, हाँ या ना, रिक्वायरमेंट से कम सप्लाई किया, ओ हु इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, जल्दी बोलो, हवे कौन छे लिमिटिंग रिएक्टेंट, कौन छे, जल्दी बोलो, ऑक्सीजन, तो सारा कैलकुलेशन अब कौन डिसाइड करेगा, ऑक्सीजन, सारा कैलकुलेशन कौन डिसाइड करेगा, ऑक्सीजन, समझ में आया, ऑक्सीजन बहुत है जरूरी है, समझ गए कि नहीं, हाँ, तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा, सो आंसर कैसे आएगा, तो मैं रिएक्शन में देखूंगा, अब इन दोनों को कंपेयर करूंगा फटाफट फटाफट, 32 ग्राम ऑफ O2 MgO का वेट बताओ, जल्दी जल्दी, दो MgO बन रहा है ना, दो MgO बन रहा है, कमऑन कमऑन कमऑन, ट्राई करते रहो, जय माता दी, अपने को 100% सक्सेस मिलेगा, गिव्स 80 ग्राम ऑफ MgO, देयरफॉर देयरफॉर व्हाट विल बी द नेक्स्ट के, 0.5 ग्राम ऑफ O2 विल गिव x ग्राम ऑफ MgO, दिस इज स्टेप नंबर 2, दिस इज स्टेप नंबर 1, तुम मोल निकाल के करना चाहो धनंजय, कर सकते हो, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मेथड, थोड़ा लंबा हो जाएगा, और कुछ नहीं, मैं आंसर आएगा बेटा, सिर्फ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मेथड, ओके धनंजय, समझा बेटा, या सभी लोगों को अब सही आंसर आ रहा है, सी मैंने ये पहला वाला स्टेप क्यों किया, मुझे बताओगे ये वाला स्टेप मैंने क्यों किया, इसमें मोल रेशियो नहीं निकालना, मैं तो डायरेक्ट मास से कैलकुलेट किया ना, मैंने वही किया धनंजय, थोड़ा मोल्स निकाल के कैलकुलेट किया, थोड़ा लॉन्ग कट हो जाएगा, ओके अथर्व, हाँ ये वाला दैट्स करेक्ट भूषण, ये वाला स्टेप मैंने किया टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, एंड वंस यू गेट लिमिटिंग रिएक्टेंट, अब यानी ऑक्सीजन ही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा, MgO कितना, 24 ग्राम मैग्नीशियम और 16 ग्राम ऑक्सीजन, 24 एंड 16, 40, तो ऐसे दो मोल्स है ना, दो मोल्स है इसलिए 80 ग्राम, ओके दो मोल्स है इसलिए 80 ग्राम, अच्छा 1.25 ग्राम MgO, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दू, 1.25 बच्चों कम ऑन, या इसमें अभी कॉम्प्रोमाइज मत करो, यू पीपल आर जीनियस किड्स, तो बिल्कुल भी कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, 1.25 या 1.5 कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, 1.25 या 1.5, या दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड किड्स, वेरी गुड, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, नील, लेट मी सी व्हाट यू हैव रिटन, या नील, मैंने वापस बताया बेटा, उन्होंने जो वेट दिया है इसको मोल्स में कन्वर्ट करो, ऑक्सीजन के वेट को मोल्स में कन्वर्ट करो, फिर मोल रेशियो निकालो, तो थोड़ा सा लॉन्ग कट हो जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग कट हो जाएगा, आंसर वही आएगा, ऑफकोर्स आंसर वही आएगा, नील ओके बेटा, नील, या दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड, या 1.25 ग्राम इज करेक्ट, 1.25 ग्राम इज करेक्ट, वैलेंटीना इट्स 1.25 ग्राम बेटा,
या मयंका दैट्स करेक्ट, इट्स 1.25 ग्राम. गायत्री दैट्स करेक्ट, इट्स 1.25 ग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. लोग मुझे 1.5 आंसर क्यों बोल रहे हैं? लोग मुझे 1.5 आंसर क्यों बोल रहे हैं? यहां पे सिर्फ इतना ही तो सॉल्व करना है भाई. ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 80 इंटू 0.5 अपॉन 32. तो जीरो, ये हो जाएगा 40 अपॉन 32. कम ऑन, कम ऑन. 40 अपॉन 32 क्या आएगा? वन पॉइंट फाइव आएगा. 40 अपॉन 32 1.5 आएगा. Those who are saying 1.5, yeah, Anant, I'm going on that part only. Right off. How much magnesium sulfide can be obtained? How much MgS can be obtained? How much magnesium sulfide can be obtained from 2 gram of Mg and 2 gram of sulfur? उन्होंने यहां पर दो सवाल पूछा है, तीन सवाल rather. Dash gram of MgS will be formed. Dash will be limiting reactant. Third, dash amount of excess reactant will be left. Chalo. Who is the limiting reactant that you decide? Okay, reaction मैंने दे दिया है. या आंसर आ रहा है लोगों का. हु इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, हु इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? सल्फर का एटॉमिक मास इज 32. या दैट्स करेक्ट. कौन है लिमिटिंग रिएक्टेंट? गौरव इज सेइंग एमजी. भक्ति इज सेइंग सल्फर. ऋतुजा इज सेइंग सल्फर. मोहित इज सेइंग मैग्नीशियम. क्या भाई, 2-2 हो गया है. सल्फर, सल्फर, सल्फर इज लिमिटिंग रिएक्टेंट. अरे ऐसे सोहम, ऐसा नहीं है. बोथ इनसफिशियंट नहीं, कोई एक इनसफिशियंट होगा. बोथ इनसफिशियंट कैसे हो सकता है भाई? कुछ ना कुछ तो कम होगा. अच्छा, यू पीपल आर क्लेमिंग सल्फर टू बी अ लिमिटिंग रिएक्टेंट. कोई बात नहीं, ओके. चलो ट्राई करें. So, अभी ये वाला मोल मेथड से करते हैं. ओके, मोल मेथड से. तो मोल ऑफ Mg निकालो, कितना आएगा? मोल ऑफ Mg इज 2/24. मुझे बताओ कितना मोल आया. मोल ऑफ सल्फर इज 2/32. यू टेल मी कितना मोल आया. हाँ,
हाँ निषाद, उसी को सॉल्व करो, उसी को सॉल्व करो। यस, कुछ कुछ लोग सॉल्व करके आंसर दे रहे हैं। या एक ने दिया है 0.0824 मोल्स, एक ने दिया है 0.0624 मोल्स, शायद वही लिखा था ना, 0.0624 या 2524, वट एवर, ठीक है 0. अभी मुझे एक बात बताओ, यहां पर 1:1 स्टैंडर्ड मोल है, 1:1 स्टैंडर्ड मोल है, बराबर? हाँ या ना? हाँ या ना? 1:1 स्टैंडर्ड मोल है, हाँ या ना? यस। तो उस हिसाब से लुकिंग एट दिस, Mg प्लस सल्फर गिव्स MgS, सो उस हिसाब से कैन आई से सल्फर विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ओके, सो देयरफॉर आई विल राइट 34 ग्राम ऑफ, सॉरी 32 ग्राम ऑफ सल्फर इज 24 प्लस 32, हाउ मच? 24 प्लस 32 हाउ मच? 56 ग्राम ऑफ MgS। देयरफॉर 2 ग्राम ऑफ सल्फर विल गिव एक्स एज आंसर। या सो MgO विल बी इक्वल टू 3. कितना? 5, व्हाट? 3. या ओके, वापस समझा देता हूं। मैंने उन्होंने 2 ग्राम दिया, 2 ग्राम दिया, उससे मैंने मोल्स निकाला, उससे मैंने क्या निकाला? मोल्स निकाला। ओके ओके, उससे मैंने मोल्स निकाला, बराबर? अथर्व, अथर्व यादव, अथर्व यादव, ध्यान दो। ओके, पे अटेंशन हियर, पे अटेंशन। कितना आ रहा है? 3. ऋतुजा, 3.5 ऋतुजा, कितना आ रहा है आंसर? हाँ ओके 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 ओके, करेक्ट करेक्ट। हाँ अथर्व यादव, MgO किधर लिखा है? हाँ MgS, सॉरी MgS। ओके चलो यहां देखते। तो मैंने जब मोल्स निकाला तो इसका मोल, गिवन मोल आया, गिवन मोल आया 0.0824, 0.0625। तो मोल रेशियो क्या होगा? 0.0824 by 1, 0.0625 by 1, हु इज द लोएस्ट वैल्यू? हु इज द लोएस्ट वैल्यू? करेक्ट, तो ही बिकम्स लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आई विल राइट 32 ग्राम ऑफ सल्फर गिव्स 56 ग्राम MgS। देयरफॉर 0.0625 ग्राम, सॉरी कितना दिया उन्होंने? ये मोल था ना, सॉरी उन्होंने कितना दिया है? 2 ग्राम, 2 ग्राम कितना देगा? 3.51 इज द आंसर, या 3.5 इज द आंसर। सल्फर विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट, डैश अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट। कौन एक्सेस रिएक्टेंट है? इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 0.0824 माइनस 0.0625, वॉट एवर इज द आंसर, पुट इट हियर। क्लियर बच्चा लोग? क्लियर 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 क्लियर, यस और नो? एवरीबॉडी इज क्लियर? एवरीबॉडी इज क्लियर? एवरीबॉडी इज क्लियर? मेथड देखो, तुम इसको डायरेक्टली पुराना वो एमजी वाले मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है? एमजी वाले मेथड से भी कर सकते थे। आदित्य, क्या नहीं समझा तुमको? आदित्य, या 0.019 नेक्स्ट है। आदित्य, आदित्य, अथर्व यादव, अंडरस्टूड? अथर्व यादव, अंडरस्टूड?
मैं यहाँ बता देता हूँ और एक बार कि ये देखो, मुझे सवाल क्या क्या पूछा था मैं वापस बताता हूँ। सवाल क्या पूछा था कि अपने से पूछा था कि एमजीएस फॉर्म कितना हुआ है, तो 3.5 ग्राम एमजीएस बना। यहां तक समझ में आया क्या? ये वाला पार्ट, पहले क्वेश्चन का आंसर समझा सभी को? एवरीवन एवरीवन एवरीवन, या 3.51 समझ में आया सभी को? जो लोग ने अभी लिखा कि सर और एक बार एक्सप्लेन कर दो, या जो भी यहां तक समझा मैंने क्या किया, मैं वापस रिपीट करता हूं, ठीक है? जिनको समझ गया टेक इट एज अ रिवीजन। मैंने ना सबसे पहले मोल्स निकाला, उससे मैंने उनका मोल रेशियो लिया, तो मुझे पता चला कि सल्फर का अमाउंट कम है, सल्फर का अमाउंट कम है। अगर सल्फर कम है, जितना 1:1 रेशियो है, तो अगर ये 0.0824 है, तो यहां भी 0.0824 होना चाहिए था, बट क्या है उतना? नहीं, उससे कम है, बराबर। तो यानी कि एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट। जय जय, समझ में आया? जय जय, समझ में आया? तो जैसे ही मुझे पता चल गया लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करेगा कि भाई प्रोडक्ट कितना बनेगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करता है, ठीक है? सो इन दैट केस 0. यहाँ पे 32 ग्राम ऑफ सल्फर 56 ग्राम ऑफ एमजीएस यूज करता है, तो अपने को ये रेशियो नहीं चाहिए। उन्होंने ऑलरेडी वेट दिया है अपने को, अपने को सल्फर विल गिव 10 ग्राम ऑफ एमजीएस, 2 ग्राम ऑफ सल्फर विल गिव। ये वाला पार्ट समझा? या आई विल बी शोइंग द अदर मेथड ऑल्सो, प्लीज पेशेंस पेशेंस, अदर मेथड। सो 32 में 56 ग्राम एमजीएस है, तो 2 ग्राम में कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये यहां तक पॉइंट समझ में आया? दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। सल्फर इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, मोल निकाल के लिमिटिंग रिएक्टेंट पता करो। या तो जैसे ही तुमको ये पता चल गया, तुमको दूसरा सवाल ये पूछा था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, तो वी सेड ओके लिमिटिंग रिएक्टेंट इज सल्फर। तीसरा सवाल पूछा था कि जो एक्सेस में बच गया वो कौन है, तो एमजी। तो उन्होंने पूछा कितना मोल। अगर 1 मोल ऑफ एमजी है, तो सल्फर भी 1 मोल लगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। ये मैंने बराबर बोला, 1 मोल ऑफ सल्फर है तो 1 मोल ऑफ एमजी लगा, बराबर। देयरफॉर अगर 0.0824 मोल्स है, ये अगर 1:1 है, तो इधर 0.08 है, तो इधर भी 0.08 होना चाहिए, लेकिन था कितना? 0.06। तो बच कितना गया? तो ये कम था, तो इसमें से कुछ तो बच जाएगा। कैसे बच जाएगा? तो ये सबट्रैक्ट कर दो, या श्रेय, दैट्स करेक्ट। बाकी लोगों को समझ में आया? हाँ, वी कैन ट्राई बाय डिफरेंट मेथड ऑल्सो। कैसे? पुराना मेथड करते हैं, पुराना मेथड करते हैं। पुराना मेथड क्या था? यहां देखो, एमजी, मैं मास मेथड, मैं ये मोल नहीं निकालता हूं, मैं जो ऑक्सीजन वाला मेथड किया था ना, वो वाला करता हूं, ऑक्सीजन वाला, बिना मोल निकाले, ठीक है? ऑक्सीजन वाला मेथड करता हूं। सो अगर 24 ग्राम, सॉरी, पहले सल्फर को कंपेयर करो, 24 ग्राम एमजी को
अगर 32 ग्राम सल्फर लगेगा, दिस इज मेथड नंबर टू, या वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यही यही आना चाहिए. देयरफॉर 2 ग्राम Mg को डैश ग्राम सल्फर लगना चाहिए. पार्ट वन, कैन यू मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट डैश ग्राम कितना होगा? ओके, यानी यहां पर वो लोग कह रहे हैं 2.67 ग्राम सल्फर. हाँ या ना? हाँ या ना? इतना ग्राम सल्फर लगना चाहिए, बराबर लगना चाहिए, रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड, यहां लिख देता हूं रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. 2.67 ग्राम ऑफ सल्फर इज रिक्वायर्ड. करेक्ट. बट गिवन मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 2 ग्राम. रिक्वायर्ड से कम है या रिक्वायर्ड से ज्यादा है? या दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट. रिक्वायर्ड से कम है. रिक्वायर्ड 2. मतलब चाहिए था 2.67, है अपने पास 2 ग्राम, तो कौन कम है भाई? कम कौन है? हु इज एक्टिंग एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट? सल्फर. यानी ये मेथड से क्या पता चल गया कि देयरफॉर सल्फर इज लिमिटिंग रिएक्टेंट. पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, 32 ग्राम ऑफ सल्फर गिव्स 56 ग्राम MgS. देयरफॉर 2 ग्राम सल्फर विल गिव हाउ मच? पहला मेथड क्यों किया था बच्चों? पहला मेथड क्यों किया था? कम ऑन, डरना किसी बात से नहीं है. कम ऑन, पहला मेथड क्यों किया था? टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट. यस, टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट. एक बार लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, अब कैलकुलेशन उसके थ्रू कंटिन्यू करना है. करेक्ट. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कमॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आ गया तुमको आंसर. तुम मोल निकाल के करो या मास निकाल के करो, इट्स वन एंड द सेम. अगर मोल दिया, मास दिया है, मास मेथड से करो. मोल दिया है, मोल मेथड से करो. दोनों मेथड बता दिया. यस और नो? यस और नो बच्चा लोग? या जय, नो प्रॉब्लम. दैट्स माई टास्क कि मैं तुमको एक्सप्लेन करूं अच्छे से. जो भी सिंपल लगे बच्चा लोग, किसी का बोलना है मास वाला सिंपल है, किसी किसी को लगता है सर मोल वाला इजी है. इट्स अप टू यू, बिंदास जिससे करना है करो. ये समझ में आ गया? यस और नो? यस और नो. वाई 2 ग्राम ऑफ सल्फर? क्योंकि क्वेश्चन में ही उन्होंने अपने को एमजी और सल्फर का वेट 2 ग्राम दिया हुआ. कौन सा थर्ड पार्ट? एक्सेस वाला. अभी अपने को पता है ना कि 2.67 ग्राम सल्फर चाहिए था, है अपने पास 2 ग्राम. एक्सेस रिएक्शन एमजी, एमजी कितना होना चाहिए? एमजी कितना होना चाहिए? कमॉन, 2 ग्राम के हिसाब से सल्फर अगर 2 ग्राम है तो Mg कितना होना चाहिए था? Mg एक्सेस में है ना? नहीं, Mg एक्सेस में है ना, तो Mg कितना होना चाहिए? थर्ड पार्ट भी निकाल सकते हो. थर्ड पार्ट तो यहां से निकाला ही है मैंने, मोल से निकाला है. अब मैं मास से निकालूंगा. अगर 24 ग्राम Mg को 32 ग्राम सल्फर लगा, तो 2 ग्राम सल्फर के लिए कितना ग्राम Mg लगेगा? This is, I'm doing the third part. Okay? चलो फटाफट बताओ कितना लगेगा. कितना लगेगा? कितना लगेगा? या अद्वैत, इवन फर्स्ट लॉ ऑफ विल बी इजी. 1.5 ग्राम लगेगा. दिस विल बी 1.5 ग्राम Mg. बट दिया कितना था अपने को? एमजी दिया कितना था?
mg दिया कितना था, क्वेश्चन में कितना दिया था 2 ग्राम, रिक्वायर्ड कितना था 1.5 ग्राम, यानी बचा कितना बच्चों, बचा कितना 0.5 ग्राम, एक्सेस बच गया। एकदम सिंपल है, करेक्ट बच्चा लोग। क्वेश्चन करने के अलग अलग तरीके, हम इनफैक्ट नेक्स्ट सेशन में सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन ही करेंगे, लेट्स से एररलेस से हो या एक्स वाई जेड से हो, हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे सो दैट वी गेट अ बेटर ग्रिप। समझ में आया? सो दैट वी गेट अ बेटर ग्रिप। क्लियर हुआ? एनी कंफ्यूजन? हाँ, वी विल रीच टू वन सोल्यूशन ओनली। मेथड बहुत सारे है, मोल से करो या मास से करो, वी विल रीच टू वन पॉइंट ओनली। डिलीवरी अवेलेबल नहीं है अमेजोन पे, क्यों भाई? अगला करोगे बच्चों? अगला क्वेश्चन करोगे? कहां पर डिलीवरी अवेलेबल नहीं है? केसेस आर स्टिल इंक्रीजिंग। कहां पर है, कौन से एरिया? औरंगाबाद, नासिक में, जोगेश्वरी में केस बढ़ रहे, सांता क्रूज में भी केस बढ़ रहे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा रहा हूं। 4 moles of MgCO3 is reacted 6 moles of HCl. Find the volume of CO2 gas at NTP. Okay? बच्चे लोग उन्होंने रिएक्शन दे दिया अपने को, यहां रिएक्शन दे दिया है, MgCO3 plus 2HCl gives MgCl2 plus CO2 plus H2O. Yeah, very good. Who is the limiting reactant? तुमने हिसाब से अभी यहाँ पर बच्चे लोग moles दे दिया है, direct moles दे दिया है, अभी तुम देखो। Yeah, very good, answer आना भी शुरू हो गया। क्या बात है, this is too good kids, this is too good. Come on, that's the spirit. Yes, very good kids, very good. Come on, too good, awesome. या परफेक्ट, किसी एक ने भी भाई गलत जवाब नहीं दिया है। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम एसटीपी पे वॉल्यूम पूछा है, सॉरी एनटीपी 22.4। यस, कम ऑन, यस विमी, दैट्स करेक्ट बेटा। हु इज एक्टिंग एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट? या श्रेय, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, एचसीएल इज एक्टिंग एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। मोल रेशियो ले लो, तुमको अपने आप आंसर आ जाएगा। यस, वेरी गुड, सो हैप्पी, क्या बात है।
67.2 लीटर इज द करेक्ट आंसर. 67.2 लीटर इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड किड, वेरी गुड. 67.2 लीटर्स इज द करेक्ट आंसर. MgCO3 नहीं, HCl लिमिटिंग रिएक्टेंट है. वेदांत, वेदांत मिस्टेक, नो नो मिस्टेक. MgCO3 नहीं, HCl लिमिटिंग रिएक्टेंट है. कमॉन 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 यश, एब्सोल्युटली फाइन. 67.2 लीटर HCl इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट. भाई साहब एकदम तूफान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. दिस इज व्हाट आई वांट, एकदम फास्ट रिप्लाई. वेरी गुड. 67.2 लीटर. यस यस, ऑसम ऑसम जय. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड श्वेत, वेरी गुड. क्या बात है, वेरी गुड. सही है यस यस या वेरी गुड ओम, वेरी गुड. आंसर आ रहा है. यस यस आर्यन, हाँ जरूर जरूर करेंगे ना हम, और भी क्वेश्चंस करेंगे. एक बार मोल आ गया, कितना मोल ऑफ CO2 है उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी मोल आया. यस यस तनीषा, दैट्स करेक्ट. आई थिंक CO2 का 3 मोल्स आ रहा है, CO2 का 3 मोल्स आ रहा है. यस या 67.2, यस 3 इंटू 22.4, 67.2 लीटर. यस अच्छा, ओम नहीं आया तुमको. चलो मोल रेशियो ले लेता हूं. गिवन मोल है 4, MgCO3 का 1, गिवन मोल है 6, MgCO3 का 2. आंसर इज 3, 6/2 आंसर इज 3. नहीं नहीं ओम थोमरे, तुम्हारा नहीं ओम. सो रिक्वायर्ड था who is the lesser value? इसका 4 है, इसका 3. तो ऑफ कोर्स HCl इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट. बराबर 2 मोल्स ऑफ HCl गिव्स 22.4 लीटर ऑफ CO2. देयरफॉर उन्होंने कितना दिया है, 6 मोल्स ऑफ HCl विल गिव x लीटर ऑफ CO2. कम ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई. ओम सोमरे, समझा बेटा? ओम ओम समझ में आया. अब मोल्स अभी अपने को पता है कि भाई ये 4 मोल्स दिया था, ये 6 मोल्स है. तो 4 मोल्स के हिसाब से MgCO3 का वैल्यू 1:2, ठीक है. सो ये 4 मोल्स दिया हुआ है तो HCl के हिसाब से MgCO3 कितना होना चाहिए था, MgCO3 कितना, एक्सेस रिएक्टेंट कितना होना चाहिए था. एक्सेस रिएक्टेंट का मोल कितना आएगा, ऑफ कोर्स ये बिकम एक्सेस रिएक्टेंट ना, ये एक्सेस हो गया. तो एक्सेस का कितना आएगा, या जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है उसी के हिसाब से यहाँ पे, दैट्स करेक्ट. MgCO3 कर सकते हो ना, सिंस 1 MgCO3 रिक्वायर्स 2 HCl, देयरफॉर 6 HCl रिक्वायर हाउ मच. तो x का आंसर आएगा 3, यानी MgCO3 दिया है 4 मोल, रिक्वायर्ड था 3, मतलब 1 मोल बच गया. ओके क्लियर बच्चा लोग, क्लियर बच्चा लोग, यस और नो. सारे पार्ट इजी है, सारे पार्ट इजी है. सिर्फ उन क्वेश्चंस पे जैसे हम उस टाइप के क्वेश्चन को बार बार करेंगे ना, अपने को आ जाएगा. अविष्कार, मैंने ये देखा कि मुझसे सवाल पूछा गया कि अगर MgCO3 एक्सेस रिएक्टेंट है तो बच कितना गया. मैंने कहा ठीक है, मैंने रिएक्शन देखा, मैंने कहा एक MgCO3 को 2 HCl लगता है, तो अगर मैं 6 HCl ले रहा हूं तो MgCO3 कितना लगना चाहिए.
तो आंसर आया 3 लगना चाहिए, दिया था उन्होंने 4 मोल्स, लगना चाहिए 3 मोल्स, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 मोल लेफ्ट। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? 67.2 लीटर इज राइट, करेक्ट बच्चा लोग, हो गया। क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों, क्वेश्चन हमने, क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है, और अपने पास तो इतनी बढ़िया प्रबंध है ना, इतना बढ़िया प्रबंध है कि क्वेश्चन टेस्ट जैसे ही अभी स्पीड अप होने लगेगा ना टेस्ट तुम्हारा, वैसे वैसे तुम्हारे प्रैक्टिस कर करके डाउट्स आके पूरा टॉपिक मक्का हो जाएगा। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट। अभी ये टॉपिक पढ़ा देता हूं और फिर मैं तुमको एक ब्रेक दे दूंगा। टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अगर तुम्हें बस उतना आता है, लेट्स से कोई सब्जेक्ट का पेपर था, टोटल मार्क्स वाज 70, यू गॉट लेट्स से 59, सो उसका परसेंटेज कैसे निकालें? ऑफ कोर्स 59/70 × 100, या श्रेय, परफेक्ट। सो हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं ना, ओके, या दैट्स करेक्ट वेदांत, मार्क्स ऑब्टेंड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, तो हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं उसको हम कहते हैं परसेंट यील्ड। ओके, मेरी बात समझना, परसेंट यील्ड। अब मैं तुमको इस क्वेश्चन में क्या दूंगा पता है, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल, कोकोनट वाटर कभी पिए, कोकोनट नारियल पानी पिया है? सवाल देखो कितना सिंपल है, नारियल पानी पिया है, यस। कभी कभी क्या होता है पता है, नारियल पानी वाला अपने को कट करके, लेट्स से, हाँ कोकोनट, हाँ ठीक है, सो वो कट करके जब अपने को बैग में देगा तो कभी कभी ना कम क्वांटिटी आती है, जब नारियल इतना बड़ा होगा क्वांटिटी कम आएगी, यस। तो हम लोग बोलते हैं अरे क्या कैसा नारियल है, परसेंट यील्ड ही कम है। हाँ, क्या बोला मैंने, परसेंट यील्ड कम, समझ में, मैंने क्या बोला, परसेंट यील्ड। कभी कभी ऐसा होता है ज्यादा आ जाता है, हम बोले हाँ इट्स अ गुड नंबर। परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या, कि अगर अपने को एक आधा सैंपल दिया गया उसके अंदर देर इज सम इम्प्यूरिटी प्रेजेंट, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मैंने तुमको कैल्शियम CaCO3 दिया, ओके, और उसका मैंने लेट से तुमको बोला कि आई एम गिविंग यू 10 ग्राम सैंपल ऑफ CaCO3, ओके, क्या मैं कह रहा हूं 10 ग्राम सैंपल। सैंपल वर्ड का मतलब क्या, कि यहां पर कुछ इम्प्यूरिटी भी प्रेजेंट है, ओके, कुछ भी हो सकता है। तो 10 ग्राम सैंपल को जैसे ही मैंने डिसोशिएट किया, आई गॉट CaO+CO2, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि 2.8 ग्राम ही CaO मिला, सैंपल 10 ग्राम का था। बच्चों मैं तुमको सिर्फ यूनिटरी मेथड बता रहा हूं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी यहां देखो, सिंस इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 ग्राम होता है, अगर तुम्हें याद होगा तो हम लोगों ने रिसेंटली किया था, 100 ग्राम CaCO3 gives 56 ग्राम CaO, therefore, x ग्राम ऑफ CaCO3 will be required to give 2.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। बट चलो, क्या यूनिटरी मेथड यू अंडरस्टूड? या सो मुझे बताओ, तो इन दैट केस x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 × 2.8 / 56, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी अगर मुझे 2.8 ग्राम CaO मिला है, यानी इस 10 ग्राम सैंपल में प्योर CaCO3 सिर्फ 5 ग्राम है, क्योंकि आंसर मुझे 5 ग्राम आया। बच्चा लोग अंडरस्टूड?
किड्स अंडरस्टूड ओके सो देयरफॉर परसेंट यील्ड कितना होगा प्योर अपॉन सैंपल इनटू 100 सो इट इज 50% प्योर एंड 50% इम्प्यूरिटी बच्चा लोग क्लियर हुआ किड्स अंडरस्टूड यस और नो यस और नो यस और नो यस और नो एवरीवन 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 या नो नो अथर्व क्वेश्चन इज नॉट रॉन्ग मैं तुमको एग्जांपल बताता हूं जब गोल्ड लेते हो और गोल्ड ले जाके जब उसको ज्वेलरी शॉप में वापस देते हो तो वो अपने को बोलता है कि नहीं ये तो 97% प्योर है मतलब वो क्या बोल रहा है प्यूरिटी 97 है तो बचा कुचा 3% क्या है वो इंप्यूरिटी कुछ भी हो सकता है मुझे क्या पता क्या है मिलावट कुछ भी हो सकता है दैट्स करेक्ट श्रेय यहाँ पर 10 ग्राम यहाँ पे CaCO3 अभी मुझे एक बात बताओ अभी अपने अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मेटल्स प्रेजेंट है जो हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं बराबर हाँ या ना आयरन जो है वो अर्थ क्रस्ट से ही एक्सट्रैक्ट करके आयरन को बनाते हैं बराबर इन दैट केस थिंक केयरफुली अगर मैं 100 किलो अगर मैं ओर लू ना उसका 100 किलो ओर तो उसमें शायद कुछ ग्राम आयरन मिलेंगे मेरा बात समझ में आया यानी इम्प्यूरिटी बचा कुचा कोई भी इम्प्यूरिटी है तुमको क्या करने का है समझ में आया यस और नो बाकी इम्प्यूरिटी यस मम्मी किचन में कभी ऐसे मतलब वो ग्रीन पीज आता है ना मटर का दाना करेक्ट सो मॉम उसको 2 किलो लेके आई और सबको बोला चलो छीलो सो इन दैट केस थोड़ा सा निकला तो मॉम बोलती क्या ऐसा बकवास सब एकदम यील्ड ही बहुत कम है यानी मॉम उसको परसेंटेज के हिसाब से रेट करने की कोशिश कर रही तो इधर अपने को क्या होगा अब सैंपल की भाषा में वो लोग चीजें देंगे कि सैंपल कितना ग्राम है 100 ग्राम सैंपल है तो बताओ कितना परसेंट प्योर है ये 10 ग्राम सैंपल है तो बताओ कितना परसेंट प्योर है क्वेश्चन बहुत ईजी आता है ओके सो अभी बच्चा लोग तुम लोग ग्रुप लीव करके वापस ज्वाइन करने में लोगों को दिक्कत होती है इसलिए ब्रेक के समय वैसे ही रहे सिर्फ म्यूट करके टेक अ ब्रेक ठीक है सो विल टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक विल मीट एट 3:10 ओके CO2 इंप्यूरिटी नहीं है CO2 तो उड़ गया वो तो गैस है यहाँ इंप्यूरिटी कोई भी हो सकता है 12 ग्राम हुआ तो मतलब 12 ग्राम हुआ तो डिवाइड बाय 12 × 100 करूंगा उसमें क्या है ठीक है टेक अ ब्रेक या 3:15 तक मिलो 3:15 यस हेलो किड शायद क्या हो गया बेटा तेरे को हाँ बराबर अभिजीत मैं मतलब लेक्चर छोड़ के मैच देखू बराबर यही रह गया बेटा चलो परसेंट यील्ड का क्वेश्चन समझ में आया बच्चों परसेंट यील्ड का नॉट क्वेश्चन यू अंडरस्टूड कि हम मेथड कैसे कैलकुलेट करेंगे ओके सो यहां पर वो लोग अपने को जो भी कंपाउंड देंगे कुछ भी देंगे अभी उसमें से प्योर प्रोडक्ट मेरी बात सुनो ओर्स जो होते हैं ना ओर्स या अमन आई एम फाइन अमन
ओर्स जो होते हैं ना, लेट्स से Fe2O3 ऑक्साइड फॉर्म है, ओके। सो Fe2O3 अगर मैं उसे उसमें से Fe एक्सट्रैक्ट करूं, तो मान लो मैंने अगर 100 ग्राम Fe2O3 लिया ना, ओके। सो इन दैट केस उसमें से लेट्स से 1.5 ग्राम Fe निकला, यानी बचा कुचा कुछ भी इंप्योरिटी रहे वो मुझे क्या करना है, बचा कुचा कुछ भी इंप्योरिटी रहे उससे मुझे क्या करना है, अंडरस्टूड। मुझे मेन प्रोडक्ट की बात करनी है। अभी तुमको जैसे एग्जाम्पल बताऊं मैं, एग्जाम्पल क्या है कि हम लोग जैसे ऑरेंजेस होते हैं, तो जो एक्चुअल गुड क्वालिटी ऑरेंजेस होते हैं ना, एकदम अच्छे जूसी, उनको भाई हम बाहर देश भेज देते हैं, बाहर भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पैसे अच्छे मिलते, यहाँ पर जो बचा कुचा जो सस्ता रहता है वो यहाँ भेज देते हैं, अंडरस्टूड। ये डिफरेंस है दोनों चीजों में, डिफरेंस परसेंट यील्ड। कोई ये बोले कि नहीं अरे खेती बहुत हुई थी बट अनाज कम आया, मतलब उसके अंदर अनाज जो लगे थे वो कम हो गए, कम हो गए यानी परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड का मतलब क्या होता है कि रॉ मटेरियल में से कितना मेन प्रोडक्ट मिल रहा है, रॉ मटेरियल में से कितना मेन प्रोडक्ट मिल रहा है। रॉ मटेरियल में कचरा बहुत हो सकता है, ठीक है, उसमें से जो मैंने CaCO3 का एग्जाम्पल दिया था, अभी कचरे में से तो CaCO3 मिलेगा नहीं, कचरे में से CaCO3 तो मिलेगा नहीं, अंडरस्टूड। कचरे में से CaCO3 मिलेगा नहीं, CaO फॉर्मेशन, CaCO3 जितना प्योर रहेगा उसमें से ही CaO मिलेगा, बचा कुचा कुछ भी वेस्ट हो वो CaO प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर, अंडरस्टूड, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, यस और नो? इम्प्यूरिटी पूछेंगे नहीं, जनरली नहीं पूछते, आइडियली इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ प्यूरिटी लेवल पे ही आते हैं कि कितना परसेंट प्योर है ये बताओ, सिर्फ इतना ही पूछते हैं वो लोग, उससे आगे नहीं पूछते, ठीक है। सो तुमको सिर्फ रिएक्शन आना चाहिए, यूनिटरी मेथड आना चाहिए, एंड यू आर डन, एंड यू आर डन। समझ में मैंने क्या बोला, समझ में मैंने क्या बोला, यस और नो? चलो क्वेश्चन कैटेगरी तो बहुत सारी है अब, और ऑफ कोर्स हम लोग वो सारे क्वेश्चन करेंगे। द टॉपिक इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, हाँ, रॉ मटेरियल विल बी एक्चुअल क्वांटिटी माइनस वेस्टेड क्वांटिटी। मतलब क्या किया कि तुमको तुमने जो भी रॉ मटेरियल था वो रॉ मटेरियल में से कचरा अगर सेपरेट कर दिया तो ऑफ कोर्स वो सिर्फ प्योर CaCO3 मिल जाएगा, लेकिन हम कचरा सेपरेट कैसे करें, हमें तो पता ही नहीं चाहिए चलेगा ना, इसलिए हम यूनिटरी मेथड से पता करते। समझ में आया, समझ में आया? सो कॉन्सेंट्रेशन ये रहा न्यू टर्म, और इन दोनों सेक्शन पे, इन दोनों सेक्शन पे हम लोग फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। हाँ परसेंट यील्ड पे मैं वापस क्वेश्चन वगैरह सब कराऊंगा, परसेंट यील्ड और कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों टर्म्स में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, ओके, डोंट वरी। क्वेश्चन अपना नेक्स्ट सेशन सिर्फ क्वेश्चन 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 ही होने वाला है, ओके। वॉट इफ देर इज CaO इन इम्प्यूरिटी? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अरे रॉ मटेरियल, अभी मैं Fe2O3 में से अगर मैं Fe एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, अगर मैं Fe एक्सट्रैक्ट कर, तो Fe2O3 में Fe प्रेजेंट नहीं रहेगा, वो रॉ मटेरियल ही ऐसा है ना, उसमें कैसे, रॉ मटेरियल में कैसे तुम्हारा मेन कंपाउंड प्रेजेंट होगा, ओके। तो जैसे मैंने CaCO3 कहा, ये मिक्सचर है कचरे के साथ CaCO3, ओके। दिशा अभी वो एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखा, आई डोंट नो, इट वॉज देयर ऑन द बोर्ड,
तो क्यों नहीं लिखा आई डोंट नो, वो तुमको लिखना चाहिए ना बेटा, वो सर क्या करेंगे उसमें, फिर तुमको एकदम क्विक होके लिखना चाहिए जो चीजें बोर्ड पे है। कंसंट्रेशन क्या होता है? सो हाँ, गैंज इज बेसिकली अ वेस्ट प्रोडक्ट जो मेटलर्जी के टाइम ये करते हैं। या श्रेय इज गिविंग मी वन यूनिट, हम लोग अलग अलग पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन, वॉट एग्जैक्टली दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टैंड फॉर? अभी कभी कभी ऐसा होता है, पता है, मम्मी लेट्स से कुछ खाना बना रही, तो गलती से कभी नमक ज्यादा हो गया, तुमने चाय बनाया तो तुमने देखा कि शुगर गलती से ज्यादा हो गया, चाय बहुत मीठी हो गई। खैर ये तो हो गया यार खाने की और चाय की बात ना, मेडिसिन बनाते वक्त, ओके, मैंने मेडिसिन बनाते वक्त अगर हम लोग उसमें एकाधी क्वांटिटी ज्यादा डाल दिए तो मैं नहीं लगता वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है, तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। यस यस, तो यहाँ अपने को क्या बात किया जा रहा है कि तुम कॉन्सेंट्रेशन मतलब सोल्यूट जो है वो कितना ऐड करते हो उसे कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। जब तुम्हें बताया जाता है कि इस मेडिसिन को एक स्पून ही पिलाओ या इसका एक ही टैबलेट खाओ, देयर इज अ रीजन ना। अभी मैं मेरा टैबलेट लेके आया, पूरी पैकेट मेरी है, मैं ही खत्म कर दूंगा, तुम कौन होते हो बोलने वाले? अरे ऐसा नहीं है भाई, डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पूरी पैकेट भी खा गए तो डॉक्टर को क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ कहीं और निकल लोगे और कुछ नहीं। इसलिए डॉक्टर हमेशा केयरफुली बोलता है कि भाई इतनी ही क्वांटिटी खानी, क्यों? क्योंकि दैट मच इज सुटेबल फॉर योर बॉडी। समझ में आया? अंडरस्टूड? या सो कॉन्सेंट्रेशन है क्या? तो सबसे पहले मैं तुमको सोल्यूशन के बारे में बताता हूं। सोल्यूशन बनता है दो लोगों से, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। बच्चा लोग ये सेक्शन तुमको एग्जैक्टली लाइक 12th स्टैंडर्ड का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज चैप्टर नंबर 2, सोल्यूशन नाम का चैप्टर ही है जहां पर ये 12th स्टैंडर्ड में ये सारे फॉर्मूले वापस पढ़ोगे। 8th में भी पढ़ा था, फिर से पढ़ लो। तो यहां पे लेट द मोल्स ऑफ सल्यूट बी इक्वल टू N1, ओके, सो देयरफॉर टोटल मोल्स, जिसे मैं कहूंगा ओके, टोटल मोल सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? N1 + N2। ओके, So, इसमें अब हम लोग फर्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। सल्यूट के टर्म्स में गिवन मोल अपॉन टोटल मोल, ओके, गिवन मोल अपॉन टोटल मोल, ये तो इजी पार्ट है। इसको हम लोग कहेंगे परसेंटेज मोल फ्रैक्शन इज N1 अपॉन N1 + N2 इंटू 100। ओके बच्चे लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के का सिंबल है X1। ओके, सेकेंड पार्ट बहुत बेसिक बेसिक चीज है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन जब हमें मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सो एकदम सिंपल सा पार्ट है कि मार्क्स फ्रैक्शन क्या होता है।
व्हाट इज मार्क्स फ्रैक्शन, तुमको परसेंटेज मिलता है कि साइंस में यू गॉट 97%, ओवरऑल तुम्हारा तुम्हारा परसेंटेज ओवरऑल इज योर परसेंटेज 95, बराबर ना। सारे सब्जेक्ट को मिला के अगर 720 मार्क्स का पेपर है सब सब्जेक्ट को मिला के, उसमें उसमें लेट से मैथ्स और फिजिक्स का मिला के तुमको या साइंस साइंस मैथ्स और फिजिक्स नहीं बोलता हूँ, साइंस और मैथ्स मिला के तुमको एक्स वाई जेड मार्क्स आए लेट से, तो तुम क्या करते हो मार्क्स का परसेंटेज निकालते हो, बराबर बराबर, हाँ या ना, मार्क्स का परसेंटेज निकालते हो, ट्रू और फॉल्स। ये वही तो है, मार्क्स ऑब्टेंड अपॉन टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेंड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, सिंपल, मार्क्स ऑब्टेंड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100%, इजी ना। सोल्यूट का पूरे सोल्यूशन में परसेंटेज कितना है, सॉल्वेंट का पूरे सोल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, सो इसको मैं लिखूंगा ओके, सो इफ आई राइट इट लाइक दिस, ठीक है, परसेंटेज नहीं है, परसेंट एक्स टू नहीं, परसेंट एक्स वन नहीं, मैं रेड वाले की बात कर रहा हूं, इफ यू डोंट माइंड कैन आई राइट एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू वन, यस और नो, if you don't mind can I write percent x1 plus percent x2, understood, बात तो एक ही है, तुमको moles निकालने का formula क्या है, मोल्स निकालने का फॉर्मूला पता है, कैसे निकालते हैं मोल्स का फॉर्मूला, कैन एनीवन हेल्प मी गाइड मी कैसे निकालते हैं मोल्स का फॉर्मूला, कम ऑन बहुत इजी है, यस मोल्स का फॉर्मूला, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ज्यादातर यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की बातें करेंगे, सोल्यूशन बना रहे हो ना तो शुगर वगैरह ये सब की बातें करेंगे, ये समझ में आ गया सभी को पहला पार्ट, people understood the first part, mole fraction है ना, परसेंटेज नहीं, अगर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन किया तो अगर ये 0.75 होगा विच इज 75%, तो ये 0.25 होगा ना 25%, 0.75 0.25 इक्वल टू 1, वैसे ही, अरे परसेंटेज कितना भी होगा, अरे 100% ही होगा ना, मैं यहाँ पे तीन जन के बारे में लिख दू इक्वल टू 100% ही होगा, चार जन के बारे में लिख दू इक्वल टू 100% ही होगा, अगर सॉल्यूशन में तीसरा कोई है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 100%, अंडरस्टूड, या बट चलो ये एज इट इज, ट्वेल्थ में ये सारे डेफिनेशन फिर से यूज होंगे सारे एग्जैक्टली, और नीट और मेंस में इस सेक्शन पे कॉन्सेंट्रेशन वाले सेक्शन को या तो डायरेक्टली पूछेंगे या तो वाया कोई क्वेश्चन पूछेंगे, बट पूछते जरूर है, कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म पूछते जरूर है, अंडरस्टूड, इंडस्ट्री में इसके बिना काम नहीं चलता है, कैसे मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ, इरेज करने वाला हूं तब तक लिख लो, बोलो ना अमन डाउट पूछो क्या है,
अभी तुमको पता है, एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी तुमने ये बेनाड्रिल कफ सिरप का नाम सुना होगा, बराबर? बेनाड्रिल कफ सिरप का, ओके, उसका नाम सुना है। तो वहां पर क्या हुआ था पता है, उन्होंने ना जो एक्चुअली उस मेडिसिन में ना अल्कोहल का कंटेंट होता है, जिसके कारण हम पीने के बाद ना हमें नींद आती है, ओके। बेनाड्रिल कफ सिरप पीने के बाद थोड़ा सा नींद आता है, कोई स्ट्रॉन्ग कफ सिरप होगा ना तो नींद आता है। अब उन्होंने क्या किया, इफेक्टिव बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ अल्कोहल था ना, ठीक है, या पैरासिटामोल में भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ अल्कोहल जो रिक्वायर्ड था, उससे थोड़ा सा बढ़ा के उन्होंने दिया। अब उससे क्या हुआ पता है, कुछ लोगों ने बेनाड्रिल, जो एक्चुअली ये एडिक्शन के शिकार रहते हैं ना, वो देखा होगा, बहुत पुअर लोग जो कुछ भी एडिक्शन का कोई लिमिट नहीं होता, वो लोग बेनाड्रिल कफ सिरप या कोस्टिव चर्सी विल बी द बेटर टर्म, ड्रगिस्ट जिसको, नहीं ड्रगिस्ट नहीं, हाँ वही बोलते शायद, पता नहीं, चर्सी विल बी द बेटर वर्ड, या सो वो लोग ने क्या किया, बेनाड्रिल कफ सिरप लेके पूरा का पूरा बॉटल एक सिप में खत्म करते थे। अंडरस्टैंड द पॉइंट? उसकी वजह से उनको ऐसा नशा चढ़ता था। तो वो लोगों ने क्या किया, वो लोग ने क्या किया कि भाई ये चीज पाया जा रहा है, तो भाई उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, ओके, और फिर उस ड्रग को, बेनाड्रिल को बैन किया गया कि तुम ये प्रपोर्शन में इस तरह से तुम नहीं यूज कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नया बेनाड्रिल लॉन्च किया और उसको करेक्ट करके लॉन्च किया। अंडरस्टूड? करेक्ट करके लॉन्च किया, यानी उनको उस चीज को जरा नॉर्मलाइज करना पड़ा। अंडरस्टूड? यस और नो? यानी एक सोल्यूशन में थोड़ा सा भी चेंज होता है ना तो दिक्कत हो जाती है। अंडरस्टूड? मैं एक एग्जांपल बताता हूं, तुम ये देखो ना, खाने में कभी नमक ज्यादा हो गया, खाने में नमक कम हो गया, ये चीजें क्या है, इट इज ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। ये तो मैं डेली रूटीन की बात कर रहा हूँ ना, कि खाने में नमक ज्यादा हो गया तो हम खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, बट मेडिसिन में कोई क्वांटिटी यामा हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अंडरस्टूड? तो जो तुम पढ़ रहे हो उस चीज को लेके बाहर इंडस्ट्री में इतने नोट छापे जाते हैं कि पूछो मत, इतने नोट छापे जाते हैं भर भर के। अंडरस्टूड? आगे बढ़े। ओके, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? एनीबडी हैविंग एनी डाउट बच्चों? ये 12th स्टैंडर्ड में फिर से तुम्हारे सामने आएगा, 12th स्टैंडर्ड में फिर से तुम्हारे सामने आएगा, 12th स्टैंडर्ड में फिर से तुम्हारे सामने आएगा। ये चीज वापस सिखाया जाएगा फिर से। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये हो गया मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन एकदम इजी इजी आते हैं बच्चों। मोल्स का वैल्यू दिया होगा, डायरेक्ट रेशियो निकालो, परसेंटेज निकालो, दैट्स दैट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट इज मितांश, यहां ध्यान दो। मोलारिटी, ओके, तो स्कूल सेक्शन में किया होगा, ओके, स्कूल सेक्शन में किया होगा, डिनोटेड बाय कैपिटल एम, ओके, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। हम कुछ यूनिट्स पढ़ने वाले हैं जो हम आगे चैप्टरों में यूज करेंगे, कुछ यूनिट्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ये आज का सेशन कल के एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो भाई तुम लोग घूम फिर के वही पूछोगे तो क्या जवाब दूं यार मैं, ठीक है? अरे आज जो पढ़ा है आराम से रिलैक्स, पिछले टाइम का जो कराया था वहां तक आएगा, उसके आगे नहीं। सो व्हाट एग्जैक्टली मोलारिटी टर्म्स स्टैंड फॉर? सो मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट मतलब शुगर सॉल्ट की बात कर रहा हूं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर्स।
ओके, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, देयरफॉर मोलारिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम इन ml into 1000. ओके, मेरी बात समझो बच्चों. तो अभी ml में लिखोगे तो into 1000 molarity will be equal to, ये mole word break करना चाहता हूं तो ये हो जाएगा given weight molecular weight वॉल्यूम इन एम एल और इन टू थाउजेंड. इस फॉर्मूले को और एक तरीके से लिखना चाहता हूं, मोलारिटी इज इक्वल टू, ये थाउजेंड नहीं लिखना होगा और वॉल्यूम को एम एल में रखना होगा, तो न्यूमरेटर बन जाएगा मिलीमोल. ये बहुत काम का चीज मैं बना रहा हूं, मिलीमोल्स इज मोलारिटी. ओके, ये फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला बहुत काम कर. ओके, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो डब्ल्यू होगा गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट वो हमें कंपाउंड के वेट से पता होगा, वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट. ओके, फॉर्मूला एकदम सिंपल है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन एम एल इन टू थाउजेंड. ये अगर थाउजेंड नहीं लिखना है तो उसको मोल को बना दो मिलीमोल, तो मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन एम एल, मिलीमोल्स इज मोलारिटी इन टू वॉल्यूम. बच्चा लोग ये फॉर्मूला हम बहुत यूज करने वाले हैं, मैं कॉम्पिटिटिव तक जाऊंगा ही नहीं, मैं सिंपल बोल दूंगा भाई साहब ये जो फॉर्मूला है ना वो टेक्स्ट बुक लेवल पे आएगा, टेक्स्ट बुक लेवल पे. मोल्स अपॉन वॉल्यूम को कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं एंड मोलारिटी इज द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ओके, मिलीमोल्स को निकालने का और एक फॉर्मूला है, मोल्स का फॉर्मूला जैसे है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये ग्राम्स में होते हैं, मिलीमोल्स में, मिलीमोल्स में ये होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये मिलीग्राम, ये मिलीग्राम. बट ये करने की जरूरत ही नहीं है तुमको, ये कौन से टाइप के क्वेश्चन में यूज होगा दैट आई विल बी टीचिंग यू लेटर ऑन, दैट आई विल बी टीचिंग यू लेटर ऑन, डोंट वरी. ये मिलीमोल्स निकालने के झंझट में पढ़ना ही नहीं है तुमको, मिलीमोल्स निकालने का ये सिंपल फॉर्मूला है. Understood molarity into volume in ml. बच्चे लोग 12th standard के स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में दिया है molarity concentration के टॉपिक में ही आता है. ठीक है, एकदम सिंपल है, इसके ऊपर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ये इन सब के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन उस लेवल का भी पूछते, मतलब समझ लो ये स्टेट बोर्ड में ही. Molarity is one of the unit to describe concentration. What is molarity? It is one of the unit to describe concentration. What is molarity? It is one of the unit to describe concentration. Clear हुआ? Clear हुआ? Concentration का एक unit है molarity. क्या है molarity? Concentration का एक unit. Okay? So मैं तुमको तुरंत इसके ऊपर एक question दे देता हूँ. 18 ग्राम ऑफ C6H12O6 डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलारिटी.
ऑन, अच्छा क्वेश्चन दिया है. 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को 500 ml एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो मोलारिटी कितनी है? सिंपल, सिद्धेश गुरव सेज इट्स 2 molar. सिद्धेश कैन यू क्रॉस चेक योर कैलकुलेशन बेटा? सिद्धेश कैन यू क्रॉस चेक योर कैलकुलेशन? सिद्धेश थर्टी सिक्स कैसे आएगा? आई थिंक इट शुड बी 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बोला ना, मोलारिटी इज 18 ग्राम, ग्लूकोज इज 180 ग्राम, वॉल्यूम 500 और ये 1000, तो आंसर कितना होगा? 0.2. कैपिटल एम लिख देने का. कैपिटल एम का मतलब है मोलार, मोलार, मोलार मीन मोलारिटी, कैपिटल एम. 0.2 molar या 0.2 molarity, that's correct. Easy था. आर्यन temperature क्यों दिया जा रहा है यहाँ पे? आर्यन हम temperature की बातें क्यों कर रहे हैं? Glucose का molecular weight is 180 gram. हाँ या ना, पहले भी किया है ना हमने glucose का molecular weight, yes or no? या मोल पर डीएम क्यू हो गया, ये समझ में आ गया. मोलारिटी हटा वो भी. जल्दी जल्दी यू गॉट 20. इसका आंसर 20 आ रहा है. अरे कैसा 20 आएगा बेटा? 18 upon 180 is 0.1. 500 into 2 is 1000. अमन पूछो ना, डाउट पूछो ना भाई. ये लाइन लिखना कि मुझे नहीं समझा, इससे बेटर है लिखना कि सर मुझे ये नहीं समझा, प्लीज एक्सप्लेन अगेन. Yes. So, molarity एक concentration unit है. Concentration का unit है. उसको कैसे calculate करते हैं? Whatever moles of solute you will add, okay? मैं वापस समझा रहा हूं अमन. Moles, solute, sugar या salt में पानी में जब डालता हूं तो quantity तो fix होती है ना, कितना ml पानी है, कितना लीटर पानी है. ठीक है, अंडरस्टूड द पॉइंट. सो अभी जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि कोई मेडिसिन होता है ना जिनके अंदर थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर डाल के वो पाउडर फॉर्म में मेडिसिन होता है. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. पाउडर फॉर्म में मेडिसिन होता है. अब वो लोग उसमें क्या बोलते हैं कि ये मार्क तक, बॉटल में एक मार्क दिया रहता है, बोलते हैं यहां तक ही पानी भरो और फिर वो सोल्यूशन को मिक्स करो. बराबर, वो लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि ये मार्क तक ऐड करो, उससे ज्यादा क्यों नहीं? अमन यू आर सपोज टू आंसर. अमन तुमने जवाब देना है, उससे ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम ज्यादा ऐड करेंगे, ठीक है, अगर हम ज्यादा ऐड करेंगे तो उस जो मेन मेडिसिन उसका इफेक्ट जो है वो गायब हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया? हाँ या ना? तो हम कोई भी सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो हम लोग उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितने वॉल्यूम में डालेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. अमन यू कैन हियर मी? हाँ या ना? हाँ. सो मोलारिटी में मुझे एक ग्लास पानी मतलब 500 ml पानी दिया गया है और उसमें नींबू शरबत बनाने का है. ठीक है, नींबू शरबत बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जस्ट पिंच ऑफ सॉल्ट, जस्ट 1.5 स्पून ऑफ शुगर एंड वी हैव टू स्क्वीज लेमन इन दैट. सो
मैं अगर उसमें, अमन ध्यान से सुनना, 4 स्पून सॉल्ट डाल दूं, ओके, और मैं बोलूं पियो, तो क्या होगा? विल इट टेस्ट गुड? नो नो नो, बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि तुमने ये जो मोलारिटी मेंटेन करनी थी उसमें तुमने गड़बड़ कर दिया. वॉल्यूम कम था, तुमने मोल ज्यादा डाल दिया, दिक्कत हो गया. तो मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. ओके, अब वॉल्यूम को मैं ml में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ऊपर 1000 लिख दो. अंडरस्टूड? तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वॉल्यूम ml इंटू 1000, मोल के फॉर्मूले को ब्रेक किया एज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. दिस पार्ट तो वी नो ना, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हमें अच्छे से पता है. बराबर, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हमें अच्छे से पता है. करेक्ट, मॉलिक्यूलर वेट का अभी मैंने ये क्वेश्चन दिया था, उसको ऐसे ही सॉल्व करना था. ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला, अगर ये 1000 नहीं लिखना है तुमको, तो ये मोल को जैसे वॉल्यूम ml किया, तो इसको मिली मोल्स कर दो, इसको मिली मोल्स कर दो. तो क्या होगा, मिली मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml. मिली मोल्स इधर ही रखो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml. अरे हम वरड, उसमें हम आइस को मेल्ट होने का टाइम नहीं देते, हम उसको ठंडा करके पीना शुरू करते हैं. ओके, क्लियर हो गया? अमन, यू अंडरस्टूड द पॉइंट? अमन थोड़ा सा समझा? अथर्व, इसको हम लोग मोलारिटी, मोलार कहते हैं, मोलार मतलब मोलारिटी. अथर्व उसको कैपिटल एम लिखने का. ओके, मिलीमोल्स विल बी 10^-3 मिलीमोल्स, नॉट 1000 मिलीमोल्स. 10^-3 और 10^-3 कैंसल हो जाएगा सारा, इसलिए मैं उसको मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml ही लिखता हूं. मिली इज द स्मॉलर यूनिट ना, उसके बाद आएगा नेक्स्ट यूनिट. ये एनसीईआरटी में वो आविष्कार, हम लोगों ने वॉल्यूम का कन्वर्जन किया बेटा, वॉल्यूम का. ये थर्ड यूनिट आ गया. यू कैन बेसिकली गेट ऑल दीज यूनिट्स मेंशनड इन एनसीईआरटी. मोलारिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम. ध्यान से बच्चा लोग, मोलारिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम. ठीक है, सो इसको क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. यहां क्या फॉर्मूला था, वो यहां क्या फॉर्मूला था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. यहां क्या फॉर्मूला है, वेट ऑफ सॉल्वेंट. बहुत फर्क है इसमें, बहुत फर्क है. ओके, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो लोग कुछ भी अपने से पूछेंगे. तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, विच कैन बी नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000, विच कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिख सकता हूं, कम ऑन, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ये अलग अलग तरह के यूनिट्स है. ओके, प्लीज नोट कर लो इसको. नोट कर लो इसको.
सो हम अगेन मोलालिटी एक तरह का यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन डिस्क्राइब करने का, अंडरस्टूड. सो इन सब में हम लोग इनके कॉन्सेंट्रेशन, कभी उन्होंने वेट ऑफ सॉलिड, यू विल बी लर्निंग हाउ टू यूज देम. ओके, देर इज मिलीमोल्स की यहाँ जरूरत नहीं है, 1000 गायब करो दे, मोलालिटी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इज मिलीमोल, फर्क नहीं. इधर ज्यादा मिलीमोल्स यूज होता है, इधर नहीं यूज करना है. ठीक है, क्लियर हुआ? सो ये कॉन्सेंट्रेशन या मयूर, ये कॉन्सेंट्रेशन का टर्म अच्छे से लर्न कर लेना है. नेक्स्ट क्लास हम अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन पार्ट करने के बाद. ओके, ओनली कॉन्सेंट्रेशन, ओनली नॉट कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, ओनली क्वेश्चन सॉल्विंग ऑन मोल कंसेप्ट. ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही किड्स, बाय, टेक केयर. सिद्धेश, यू विल बी अपडेटेड, डोंट वरी. बाय, टेक केयर किड्स, बाय बाय. ये छोटा W है और ये कैपिटल W है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट. चलो बाय किड्स, टेक केयर, बाय बाय, सी यू.